वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम और अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर गेस्ट को लेकर आए हैं। उनसे बातें करने का बेहद शौक़ था बहुत अरसे से मुझे, उनसे वैसे तो मुलाकात रहती है। इतनी शफकत से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं और ऐसी शख्सियात बहुत कम होती हैं कि इतनी अजीम लोग हों, इतने बड़े नाम हों, इतना टैलेंट हमारे मुल्क का असासा, और जब आप उनसे मिलते हैं तो इतनी डाउन टू अर्थ उनकी, इतनी आजजी। मेरा ख्याल है कि जितना शख्स बड़ा होता चला जाता है उसके अंदर उतनी आजजी और इनकसारी बढ़ती चली जाती है। आज मेरे लिए मैं समझती हूँ कि बहुत इज्जत का दिन है कि वो मेरे शो पर आए। आपकी मुलाकात मैं आज करवाने जा रही हूँ अमजद इस्लाम अमजद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा। आप इतने ज़्यादा, असल में एडजेक्टिव जो है एट ए टाइम सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं देख रही थी, मैं बोल रही थी और आप काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। अच्छा, वैसे अमजद साहब, ये आपने एक चीज़ नोटिस की है कि ये भी बड़े कम लोग होते हैं कि जो अपनी तारीफ के ऊपर अनकंफर्टेबल हो रहे हो, वरना हमें तो पर्चे लिख के दिए जाते हैं कि कम से कम इतना तो बोले। नहीं नहीं, इट्स बड़ा मुश्किल होता है सुनना। अच्छा, ये आजजी और इनकसारी जो है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, एंड व्हेन आई से समथिंग आई रियली मीन इट। तो जैसा जैसा कद शख्सियत आपकी बढ़ती चली जाती है और अल्लाह की ज़ात आपको अता करता चला जाता है, वैसे वैसे आजजी और इनकसारी जो है ये एक हर किसी शख्सियत में नहीं आती आप में। हम अरुज, देखो बात ये है, इल्म जो है ना असल में ये जानने का नाम नहीं है। ये जानने का नाम है कि आपको क्या नहीं आता। क्या बात है। तो जूं जूं आपको ये पता चलता जाता है ना कि आपको क्या क्या नहीं आता, सही उसी हिसाब से आपकी गर्दन झुकती चली जाती है। बहुत अच्छा। इतना इल्म पड़ा हुआ है दुनिया में, इतने बेशुमार काम है करने वाले, बहुत। तो अगर आदमी देखे तो हमने क्या किया है, समुंदर के एक साहिल से चंद शायद सीपियां चुनी हों। क्या बात, क्या बात। अच्छा, जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, आपके साथ कभी मुझे इस तरह इंटरव्यू के हवाले से बात करने का मौका नहीं मिला, और आज जो मेरे देखने वाले हैं उनसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि जब मेरे यहाँ पे गेस्ट्स आते हैं तो कुछ जो गेस्ट, खैर सारी मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल होते हैं, मगर चंद एक ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे बहुत इश्तियाक होता है बात करने का और सवालात करने का, और उनके लिए मैं ख़ास तौर पे होमवर्क करके और वो सवाल जो है वो बनाती हूँ। और आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो जो सवाल मैं अपने गेस्ट से करती हूँ वो तमाम सवालात जो है वो मैं अपने साथ भी कर रही होती हूँ, कि मतलब होता ना कई दफ़ा आप ऐसे ही सवाल कर रहे होते हैं और आपके अपने पास उन सवालों के जवाब नहीं होते तो वो बड़ा फिर गलत हो जाता है सीन। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो सवाल आज मैं अमजद साहब से करने जा रही हूँ, तमाम सवालात आपने भी अपने आप से ज़रूर करने हैं। दैट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्ती जो है, दोस्त जिसे कहते हैं, हज़रत अली की सेइंग मैं अक्सर अपने शो में कहती हूँ कि वो शख्स अमीर तरीन है जिसके पास कोई एक मुखलिस दोस्त हो। और आपके बारे में जब पढ़ा तो ये जाना कि आप बहुत अमीर हैं। दोस्ती दोस्तों का खजाना है। अल्लाह का बड़ा करम है। एक और बात मैं आपसे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एक अर्ज़ करूँ कि मेरे नज़दीक अगर आप किसी शख्स का देखना चाहते हैं कैरेक्टर कह लीजिए, तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये देखो कि जब वो अरूज के दिनों में हों तो जो उसके स्ट्रगल के पीरियड के दोस्त थे कितने उसके साथ अब भी हैं। क्या बात है, क्या बात। तो अगर उसने उनको मेंटेन किया हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि उसका दिमाग ख़राब नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बड़ी बात होती है अगर आप उन दोस्तों को साथ लेकर चलें, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, दोस्त तो आपके बहुत से होंगे और ज़ाहिर बात है हम जानते हैं, मगर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जो आपके दिल के करीब होते हैं और आपकी ज़ात से बढ़कर आपके लिए अहमियत रखते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त कि जिसके बगैर आपको अपना आप या अपनी शख्सियत नामुकम्मल लगे, कि अगर कोई ऐसा टाइम आए कि आप और आपके दोस्त की जान खतरे में हो और आप कहें कि अच्छा मेरी चली जाए मगर ये रह जाए इस दुनिया में। असल में देखो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में, जैसे जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो कोई एक सहेली ऐसे लगती थी कि दुनिया में इसके बगैर कुछ नहीं है। सही। टीचर बाज़ औक़ात बच्चियों की आमतौर पर फैसिनेशन होती है टीचर से, तो दोस्त जो हैं मैं समझता हूँ आपके साथ साथ ग्रो भी करते हैं लेकिन मुख्तलिफ फेजेस में चेंज भी होते रहते हैं। ठीक। बदलते में रहते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब फिर आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, फिर जिस तरह हम लोग आगे इस फील्ड में ड्रामे वगैरह लिखने में, फिर शायरी में, फिर इसी हिसाब से दुनिया में बाहर,
तो उनका दायरा फैलता चला। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं अगर गिनने बैठूँ तो कम अज़ कम यूँ है कि ये जो मेरे हाथों की उंगलियाँ हैं ये मेरे दोस्तों से कम पड़ जाएं। क्या बात है, बहुत खुश नसीबी की बात है। अच्छा, दुनिया घूमी आपने अमजद साहब? जी बहुत। दुनिया कोई मेरा ख्याल ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ आप नहीं, ना कुछ तो है, थोड़े बहुत, लेकिन बहुत मतलब अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो आप ये कह सकते हैं हाँ इधर भी मैं गया, उधर भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया। दुनिया घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद क्या समझ आती है दुनिया और लोगों की? देखिए, बात ये है कि शेख सादी का एक मिसरा है कि बनी आदम अजाए यक दिगरंत, के आदम के बेटे जो हैं वो एक ही बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सही। यूं भी अगर हम मजहबी हवाले से देखें तो हम सब का बाप एक ही है। बिल्कुल। तो गोया देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ये कोई हमारे डायरेक्ट कजन्स हैं, कोई थोड़े से सेकंड कजन्स होंगे, कोई जरा रिमोट कजन्स होंगे, मगर है ये एक ही। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। बिल्कुल सही। तो इस एतबार से जब आप दुनिया को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है, जैसे एक फैमिली में नहीं होते, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग ताकतवर हो जाते हैं, कुछ दरमियान में रहते हैं, कुछ, तो दुनिया भी इसी तरह की, ये जो ग्लोबल विलेज सो कॉल्ड इसका नाम है ना, तो ये उसी तरह का विलेज है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया से जो सीखने की बात है वो ये है कि जो मसाइल आज हमें हैं पाकिस्तान में, ये कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाए गए हों। ठीक। ये एक प्रिंसिपल है, एक दुनिया के लॉज हैं कुछ, उनके तहत मुआशरे जो हैं जब वो एक ख़ास स्टेज में आते हैं तो एक ख़ास तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही। हम भी एक, क्योंकि हम लोग बदकिस्मती कह लो कि कोई 12वीं 13वीं 14वीं सदी ऑनवर्ड्स मुसलमानों ने एज ए कौम कह लो या एज ए उम्मत, वो जो हमारे अंदर सोचने की सलाहियत थी, चैलेंज करने की, सवाल करने की, आप देखो कि जो इब्तदाई 400-500 बरस हैं उसमें मुसलमानों ने उस ज़माने के जो अलूम थे सब में टॉप पे गए। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। उसके बाद फिर हमारे यहाँ ये जो इल्म की जस्तजू जो है ये कम होना शुरू हुई और हम डॉगमेटिक हो गए। आज भी अगर आप देखें, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आज के हमारे यहाँ किसी पढ़े लिखे आदमी से भी बात करें तो आपको महसूस होगा कि वो अपने दीन और मज़हब पर उतना मुस्ताकब नहीं है जितना अपने अकीदे पर है। यानी मसलक और अकीदा जो है वो दीन से आगे निकल गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम हमारे माशरे में है। तो अब 500-600 बरस की डॉर्मेंसी का पीरियड हमने गुजारा है पूरी दुनिया में। सही। अब देखें कि जब लोग यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हार्वर्ड बना रहे थे और बना रहे थे, हम लोग कोई मकबरा बना रहे थे, कोई और इस तरह की कोई बिल्डिंगें बना रहे थे, जो बादशाहों के एनर्जीज जो हैं वो गलत जगह पे इस्तेमाल हुई, तो उसमें लोगों तक हमने वो चीज़ें नहीं पहुँचाई जो एक आम सिटीजन का कह लो या आम इंसान का शहरी का हकूक है, तो वो नहीं पहुँचाए। इस वजह से अब हमारे मुआशरे जो हैं थर्ड वर्ल्ड के और दूसरे, ये कुछ दुनिया में पीछे। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ये देखने और समझने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग जब इससे गुजरे थे, इस दौर से, इन्होंने इस मसले को कैसे हल किया, कैसे हैंडल किया था? और मैं ये समझता हूँ आपको समझ आती है कि फिर बहुत सारी बात है। मैं चाहूंगी कि वो एक्सप्लेन करें कि वो मसाइल तो हैं और ऐसे कोई, वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसे मसाइल नहीं है जो शायद कहीं और नहीं है, मतलब हमारे पास जो मसाइल है वो कहीं ना कहीं और भी हैं। और आपने दुनिया घूमी और आपको डेफिनेटली पता भी चला होगा कि उनको कैसे हल किया गया, उस हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें रुकना है ब्रेक के लिए और ब्रेक के ऊपर अमजद इस्लाम, अमजद साहब की शक्ल बड़ी वो इंटरेस्टिंग सी बनी कि हाँ मुझे पता था आनी है लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कॉल भी है हमारे साथ उस्मान की, वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब कैसे हैं और क्या कहेंगे? शुक्र अल्लाह का। उस्मान बात कर रहा हूँ मुजफ्फरबाद कश्मीर से। जी जी फरमाइए। अरुजा जी, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, शायद आपकी इतनी पिक्चर्स आपके घर में ना होंगी जितनी मेरे पास हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज आपने शुरू से शो देखा है? वैसे मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ। अच्छा, देखते आ रहे हैं आज शुरू से। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज एक सवाल किया था मैंने आपसे, तमाम लोगों से, और मैंने कहा था कि जितनी भी कॉल्स आएंगी यही सवाल किया जाएगा कि क्या आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत है या आप दूसरे लोगों से मोहब्बत करने में मसरूफ़ रहते हैं। बिकॉज़ वो शख्स जो अपने साथ मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी और के साथ मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता। तो आप करते हैं मोहब्बत अपने आप से?
जी अभी थोड़ी बहुत करता हूँ, एक्चुअली आई एम स्टूडेंट सेकंड ईयर कैडेट कॉलेज मरी। अच्छा ठीक है जी, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो अपने आप से तो हर इंसान को मोहब्बत होती है। किस तरह इजहार करते हैं मोहब्बत का? हाँ ये तो नहीं पूछे। अच्छा फिर नहीं पूछते, चलें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अमजद साहब से मेरी फरमाइश है, प्लीज क्या कहेंगे? कि वो मुझे ये वाली गजल सुना दें कि कमरा इम्तिहान के पीछे। अच्छा आप काफी अच्छा बेटे, पहली बात तो यह कि ये गजल नहीं है, नज्म है, और दूसरा पीछे का आपने इजाफा कर दिया, ये कमरा इम्तिहान में है। कमरा इम्तिहान के पीछे क्या है भाई, बताएं जरा। खैरियत, हमें बूटी माफिया है। बिल्कुल जी, यहाँ रुकेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर कॉलिंग, और आपने कहा कि आप मेरे फैन हैं, उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। बस दुआ में याद रखें। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत अहम सवाल जो हम लोगों ने जिसके ऊपर एंड किया है कि उसका हल क्या है, दुनिया देखी है अमजद साहब ने, और पाकिस्तान जो इस वक्त जिन भी मुश्किल और मसाइल का में गिरफ्तार हुआ है उसमें किस तरह से निकला जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो हम अमल नहीं कर सकेंगे, और अमल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें। और आज एक ऐसी शख्सियत है हमारे पास जिनसे समझने के लिए बहुत कुछ है। आज रुकेंगे ब्रेक के लिए, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।